ये रिश्ते क्या कहलाता है कि इस बढ़ती कहानी में नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ कुछ अच्छा तो कुछ बुरा हमें देखने को मिलने वाला है, जहां पर 6 साल बाद अभिमन्यु की 6 सालों में महादेव से जो नाराजगी हो गई थी वो नाराजगी अब खत्म होती हमें नजर आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम सब फैंस का दिल जोरों से धड़क रहा है जैसे जैसे अभिमन्यु और आरोही की किसी भी वेडिंग फंक्शन की बात होती है, तब हम सब फैंस का दिल धड़कने लगता है क्योंकि हम अभिमन्यु और अक्षरा को एक दूसरे के साथ जो देखना चाहते हैं। और अब तो अक्षरा पूरी अपनी फैमिली के साथ अभिमन्यु और आरोही के वेडिंग फंक्शंस का हिस्सा भी बनती नजर आने वाली है। तो सिर्फ एक ही सिचुएशन है जो अभिमन्यु और आरोही की शादी को रोक सकती है, जी हाँ, और वो है अभीर का सच अभिमन्यु तक पहुंचना। जी हाँ, क्योंकि अगर अभिमन्यु के साथ नहीं पहुंच गया या भी उनका और अक्षरा का बच्चा है तो ये शादी, ये वादा जो है जो उन्होंने रूही से किया है आरोही से शादी करने का, ये टल सकता है। और साथ ही साथ मंजरी माँ की जो अभिमन्यु और आरोही की शादी कराने की जिद है उस पर भी फुल स्टॉप लग सकता है। लेकिन अभिमन्यु के सामने अभीर का सच आएगा तो कैसे आएगा, फिलहाल के लिए तो हमें ये रिश्ते क्या कहलाता है में धीरे धीरे करके ट्विस्ट उसकी तरफ बढ़ते देखने को मिलने वाले है। साथ ही साथ बहुत ही जल्द ये रिश्ते क्या कहलाता है में होली सेलिब्रेशन भी देखने को मिलेगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या होली सेलिब्रेशन ही वो मौका होगा जब ये सच सामने आएगा या भी सच को आने में थोड़ा और वक्त है। हिंट्स आपके सामने है, अब जल्दी से अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन बाय बाय एवरीवन।